अब खबर हरियाणा के करनाल से, जहां करनाल पुलिस ने वार्ड नंबर 2 के पार्षद को गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया है। आपको बता दें कि करनाल की अदालत ने पार्षद को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पार्षद की गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर भी उतर गए। इस दौरान जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाने के साथ पार्षद को न्याय दो के नारे भी लगाए गए। यहां हम आपको बता दें कि गत दिवस बुड्डा खेड़ा में अवैध कॉलोनिया गिराने के उद्देश्य से नगर निगम की टीम पीला पंजा लेकर पहुंची थी। यहां पर पार्षद बलविंदर सिंह की अधिकारियों के साथ कहासुनी हुई थी। वहीं इस मौके पर पत्थरबाजी करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में देर रात बलविंदर सिंह को करनाल पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह राठौर भी एसपी से मिलने पहुंचे और बलविंदर सिंह को जनता का चुना हुआ नुमाइंदा बताते हुए पुलिस द्वारा ऐसी कार्यवाही करने की निंदा की गई। बताते चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह राठौर भी बलविंदर सिंह के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि एक पार्षद जनता की आवाज उठा रहा था, इस तरह गिरफ्तारी होना बिल्कुल गलत है। यहां यह भी बता दें कि पार्षद के समर्थन में कई लोग आगे आए हैं। अदालत के बाहर काफी संख्या में लोग दिखाई दिए जो पार्षद के समर्थन में आए थे। यहां यह भी बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस दल भी तैनात किया गया था। पार्षद के परिजनों ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पुलिस जिस दिन आई उसमें से कुछ ने शराब पी रखी थी, हमें स्मेल आ रही थी। उनकी बेटी ने कहा कि मेरे द्वारा पुलिस से गिरफ्तारी वारंट मांग लिया गया लेकिन कुछ नहीं दिखाया गया, वह उन्हें घसीट कर ले गए। उन्होंने पुलिस पर अभद्र तरीके से बातचीत करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि उनके पिता को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, साथ ही जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई है। उन्होंने पुलिस पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बता दें कि पुलिस ने करनाल के वार्ड नंबर 2 के पार्षद बलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया है। अदालत ने पार्षद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर पार्षद के समर्थकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया एवं जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि पहले तो सरकार अवैध कॉलोनियां पनपने देती है, परंतु बाद में गरीब लोग जब अपने आशियाने बना लेते हैं तो उन पर अपना डंडा चलाती है, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बलविंदर सिंह के लिए लड़ाई जारी रहेगी। ये जैसे लोगों के आंसू देखते जाते हैं, गरीब लोगों के, इनके आंसू देखने के बाद भी सरकार का दिल नहीं पसीजता। सरकार को डर नहीं है, सरकार को, लोकतंत्र का, जनता का, कि हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। देखिए गवर्नमेंट की बात, अगर पॉलिसी, ये पॉलिसी बनाने की क्षमता की बात होती है, जब कोई चुनाव नुमाइंदा पॉलिसी मेकिंग के अंदर फेलियर हो तो इस प्रकार की घटनाएं घटती। आज तक कोई नीति नहीं बनाई गई। देखो हर एक गरीब आदमी तो हुड्डा के सेक्टर में प्लॉट नहीं ले सकता, तो गरीब आदमी जो शहर में रहने के लिए आता है उसके लिए हम उसको कहाँ रहने के लिए जगह देंगे। उन स्वाभाविक है वो सस्ते प्लॉट खींच तक खोज करता है, और वो भी बड़े बड़े नहीं, 50 गज के 100 गज के 100 गज का भी मैं कहता हूँ बड़ा है, 50-50 गज के प्लॉट के अंदर वो 2 कमरे का मकान अपने सिर पर डालने के लिए रहना चाहता है। हुड्डा सेक्टर्स के अंदर ये प्रावधान नहीं है। सरकार ऐसे प्लॉटों की रजिस्ट्री कर देती है, जैसे सूचना मिली है उनको मीटर कनेक्शन देती है और सारी फैसिलिटी दे देती है, और उनकी जब वो आदमी अपने 50 गज के प्लॉट पर 2 कमरे डाल लेता है तो उसी के उसमें वो आप जेसीबी लाके जन सैलाब और बलविंदर सिंह को बड़ा प्रश्न हमें देनी चाहिए थी उनको कि क्या चीज चल रही है। वो जस्ट आए, उन्होंने बदतमीजी से बात की और उनमें से कुछ एक ने शराब पी रखी थी क्योंकि हमें स्मेल आ रही थी। हम सारे आगे खड़े थे तो वो एकदम से फीमेल कॉन्स्टेबल्स थी वो तो पीछे थी, जेंट्स जो थे वो आगे आ रहे थे और वो हमें बहुत, मतलब बहुत गुस्से से और बहुत अजीब तरीके से बोल रहे थे। और फिर जैसे उन्होंने पापा को पकड़ने की कोशिश की तो हमने बचाने की कोशिश की, और मैं बस यही कह रही थी कि आप मेरे को अरेस्ट वारंट तो दिखाओ, आप मेरे को सर्च वारंट तो दिखाओ, कुछ तो लाए होंगे आप, बट वो कुछ नहीं सुन रहे थे। वो इतने ज़्यादा थे, कम से कम भी 30-35 से ऊपर थे वो सारे, तो
फीमेल लेडीज कुछ भी आगे नहीं आए, सिर्फ जेंट्स आए और उन्होंने हाथ पकड़ा हमारा, हमें धक्का मारा, पूरा बहुत बुरी हालत में वो घसीट के लेके गए हैं। आज कौन लोग बैठे हैं, किस मांग को लेकर बैठे हैं? हम इस मांग को लेके बैठे हैं कि एक तो हमें पहले पापा की बेल बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए। दूसरा, जिस हिसाब से हमारे ऊपर इन्होंने तानाशाही की है पुलिस ने, जिस हिसाब से, जिस तरीके से लेके आए हैं, वो तरीका बहुत गलत था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरा जो पूरा सीन पीछे था, पूरा जो भी पहले हुआ है, मुझे पूरा नहीं पता है, जो भी पहले हुआ है उसकी कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए। और जो जो इस चीज के जिम्मेवार है, कौन कौन लोग है, कहां कहां के और लोगों के साथ कोई मारपीट है हमारे पास, हमारे वो जिस फोन में हमने प्रूफ की। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.